हेलो फ्रेंड, अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन में एक सीक्रेट को मैं अनलॉक कर रहा हूँ और ये सीक्रेट है जो टॉपर हैं उनसे रिलेटेड, और अभी टॉप किए हैं। और तब आपको अभी जो मैं बताऊंगा इसे समझ में आएगा कि रियली में टॉपर्स मेहनत कैसे करते हैं, नोट्स कैसे तैयार करते हैं और क्यों मैं आपको कहता हूँ कि आपको नोट्स तैयार करना ही चाहिए। ये एक्चुअली जो मेरे पास यहाँ पे है कुछ ये मैं लेके ही आया हूँ। ये देखो, ये सब देख रहे हो, तो ये सब मैं लेके ही आया हूँ और ये मुझे मिल नहीं रहा था। वो इसलिए नहीं मिल रहा था कि आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि इस तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं, हैंडराइटिंग उतना बढ़िया नहीं है, तो इस तरह से अलग अलग तरीके से इसको नोट्स बनाया गया। और ये जो नोट्स है वो इनिशियल स्टेज का नोट्स है, ठीक है। नोट्स दो तरीके से बनते हैं, एक स्टार्टिंग में और एक बार उसको फिर से कहते हैं ना रफ को फिर सफ करते हैं, तो पहले रफ और फिर उसके बाद एक प्रॉपर नोट तैयार होता है। तो मैं जो लेके आ रहा हूँ वो बिल्कुल रफ नोट से स्टार्टिंग में जो तैयारी की गई थी वो नोट्स लेके आ रहा हूँ। ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा और कोई देने को भी तैयार नहीं होता है, और फाइनली जो जिन्होंने सिलेक्शन लिया है वो भी नहीं दे रही थी, इस शर्त पे दी है कि नाम नहीं बताना है, क्योंकि इसको मैं इसमें जब हुई है इसमें काफ़ी काटकूट है और अलग अलग तरीके से इसको बनाया गया है। उसके बाद फिर उसके पास एक और कॉपी है जो बाद में उसके साथ ही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, बट मुझे ये चाहिए था और वो भी आपके लिए। वो ये क्यों चाहिए था, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपको नोट्स पे नोट्स क्यों बनाना है, एक पहला जवाब मिलेगा, और दूसरा जवाब मिलेगा कि जो नोट्स है वो कैसे बनाना है, और इसीलिए अहम है। और इससे आपको अंतर भी समझ में आएगा कि जो रैंक लेके आते हैं वो दरअसल मेहनत कितना करते हैं। अभी पीडीएफ में मैं आपको दिखा दूंगा, बट तब भी थोड़ा सा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी है और भी है, बहुत सारा है। जैसे आप इसको देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर बना के इस नोट्स को तैयार किया गया है, जैसे वायु के द्वारा नीचे प्रस्लाकृति। और इसको मैं अभी क्या करूँगा, जितना ही हो पाएगा उसको जो हमारा ऐप है उसके उसमें मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। वो भी जो ऐप, जैसे ये सब देखो कितने अच्छे से आप देख सकते हैं, कितने अच्छे से इसको बनाया गया है, तो कितनी मेहनत लगी होगी। और ये जब मेहनत एक बार हो गई होगी तो इसने ही सफलता दिलाया है, इसने ही सफलता दिलाया है। इसके बाद मानसून, आप लोग बार बार पढ़ते हैं, देख लो काफ़ी जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है, इतना पढ़ा गया है। मानसून बहुत पढ़ते हो, मानसून सीधा सीधा पढ़ जाते हो, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने कैसे पढ़ा है। ये देखो कैसे मैप बनाया गया है, लो प्रेशर है, कैसे हवा जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो 0 डिग्री है उसको हवा क्रॉस करके दाहिनी ओर मुड़ जा रही है, तो ये आप उनकी मेहनत को आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से बनाया गया है, तो ये सब मतलब यहाँ पे आप देखो किस तरह से मैप बनाया गया है, पूर्वी घाट अलग है, ठीक है, अरावली है, कैसे अरावली को हवा क्रॉस कर रही है, तो ये सारी चीजें। उसके अलावा यहाँ पे एक और है, हाँ नोट्स में देख सकते हैं, बिहार में वर्षा के दिनों की संख्या मूसलाधार वर्षा 56 दिन से 7 घंटे ऐसा कुछ करके, तो आपको अंदाजा लग गया होगा। और मैं जो बार बार कहता हूँ मैपिंग करो, वो भी क्यों कहता हूँ, क्योंकि लोग करते हैं, और उसको भी मैं दिखाता हूँ कितना मेहनत किया गया है उस मैपिंग में, कितनी मेहनत की गई है। कुछ ऐसे भी आप देख लो, कुछ ये भी नोट्स देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग डिज़ाइन बना के कॉल्डेरा बनाया गया, क्रेटर बनाया गया, कॉल्डेरा झील बनाया गया है, ठीक है। ये देखिए ज्वालामुखी पठार है, किस तरह से ये बनाया गया है, तो आप जैसे ये ज्वालामुखी है, हम लोग पढ़ लेते हैं कि ज्वालामुखी में लैपली किसको कहते हैं, ज्वालामुखी डस्ट क्या होता है, ऐश क्या होता है, बॉम्ब क्या होता है, और यहाँ पे देखो कैसे लैपली बनाया गया है, डस्ट बनाया गया है। तो ये मेहनत जब एक बार हो जाती है ना तो फिर ये सक्सेस दिलवाती है। इसके अलावा जो मैं बार बार मैप की बात करता रहता हूँ, ये भी आप देख लो, कुछ लोगों के तो देख के पसीने छूट जाएंगे, इतना मेहनत कैसे होगा, बट करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरह के स्टूडेंट को बीट नहीं करेंगे या इनके साथ कंपटीशन इनको नहीं देंगे तो कैसे क्रॉस करोगे आप और कैसे पास करने का सोच सकते हो। ये देखिए यहाँ पे अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का
कितना मेहनत करके मैप बनाया गया। एक हम लोग उस तरह से स्केचिंग कर लेते हैं और इन्होंने 80, 70, 60, 50, 40 टोटल देशांतर रेखा खींचा है, फिर अक्षांश खींचा है ताकि एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका, और ये बनाया हुआ है, ठीक है, अमेरिका। ये अलग बात है कि किसी की पेंटिंग काफी अच्छी होती है, किसी की खराब होती है, बट तब भी बनाना है। ये देखिए भारत कैसे बनाया गया, 68, 72, 76, 80, 84 इस तरह से काटा गया है। यहां पर भी देखिए 36, 32, 28, 24 और ये जो हमारा कर्क रेखा है वो क्रॉस कर रहा है। और देखो ये देखो कैसे बनाया गया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हिमालय। तो इस तरह से मतलब इस तरह से कितनी मेहनत की गई है। और भी है, और भी है, इस तरह से वर्ल्ड का मैप बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप। तो इतना मतलब आपसे हो सकता है किसी की मैप किसी कोई अच्छा नहीं बनाता हो, ठीक है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन और इसी तरह से और भी है। ये बिल्कुल जो है ना रफ जिसको कहते हैं, ये हिस्ट्री के लिए है, हिस्ट्री के लिए तैयारी की गई थी। अब इस तरह से चीजें जब तैयार की जाती है, इस तरह से जब नोट्स बनाया जाता है, उसका एक अपना फायदा है, एक अपना इम्पैक्ट है। इसीलिए बार बार कहता हूं, अब सवाल उठता है कि जो नोट्स है वो बनाए कैसे। तो ये सब जो देख रहे हो आप नोट्स जो आपके पास गया, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और अच्छा रैंक बीपीएससी के अंदर लेके आए हैं, उनका नोट्स है। कहने का मतलब ये है, जब आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बार होता क्या है, पहली बार में किताब उठाया, नोट्स बनाना शुरू। जब आप नए नए पढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत अंतर नहीं कर पाते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और जब नए नए होते हैं तो बहुत सारे जो फैक्ट्स होते हैं काफ़ी सिंपल भी होता है, लेकिन वो भी उस समय टफ लगता है। तो जब नोट्स उस स्टेज में बनाओगे तो नोट्स आपका बहुत लंबा और लेंदी हो जाएगा। लेकिन एक बार किताब पढ़ लीजिए, जहाँ पे जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसको आप पढ़ लीजिए, दूसरी बार पढ़ लीजिए, ठीक है, और इसके बाद इतने पढ़ने के बाद आपको लग, उसके बाद जो थर्ड स्टेज में जाओगे, तीसरी बार जब उसको पढ़ रहे होंगे, तब आपको, क्योंकि उस दो बार में आप समझ जाओगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, जब तीसरी बार आएगी तब आप जाके नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाएं तो नोट्स बिल्कुल, क्योंकि नोट्स होता क्या ना, यही नोट्स मैं एज इट इज आपको दे दूंगा तो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें कोडिंग की गई है वो अपने अकॉर्डिंग होती है, तो दिक्कत वहां पे हो जाएगी। इसीलिए आपको अपना नोट्स भी बनाना है। वैसे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, मैंने बोला है कुछ पेजेस मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको अपने नोट्स बनाने हैं। और उसके लिए आपको थर्ड स्टेज में जाने के बाद, तीसरी बार जब किताब या नोट्स कहीं पढ़ रहे होंगे, वहां से आपको नोट कलेक्ट करना है। पीटी और मेंस के लिए पहले पॉइंटेड नोट्स भी बनाने हैं, और जहां डिस्क्रिप्टिव चाहिए वहां डिस्क्रिप्टिव बनाना है, और मैपिंग भी करना है, स्केचिंग भी करना है। आप देखो कि कितना ज़्यादा ज्योग्राफी पे वर्क किया गया है, और ये सिर्फ ज्योग्राफी पे ही वर्क नहीं है, ये मॉडर्न हिस्ट्री अलग अलग जगह पे है, और चूँकि और भी है मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, तो वहां पे अलग अलग जगह पे वर्क किया गया है, और वहां पे पॉइंट्स लिख दिए गए हैं सीधा सीधा। जैसे मान लेते हैं कि वीर कुंवर सिंह का क्या रोल है, सीधा पॉइंट्स लिख दिया गया है। तो इस तरह से भारत बिहार मानसून जब आती है तो मानसून का क्या इम्पैक्ट होता है, मानसून की विशेषता क्या है, एकदम पॉइंट फॉर्म में है, जिसको आप सीधा सीधा एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप नोट्स बनाएं, और बनाएं तो कुछ इस तरह से बनाएं कि दूसरा नहीं भी समझे तो आपको बहुत आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाए। चलिए मैं आपको अब वीडियो के फॉर्म में, अब मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में इस नोट्स के कुछ झलक दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए आपको कैसे ये बनाना है।